नमस्कार दोस्तों, जय किसान एचपी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो बगीचों में प्रॉब्लम आ रही है स्कैब की, उसके बारे में बात करते हैं। और हम आज हमारे जो डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट से हमारे डॉक्टर आए हुए हैं, एक टीम आई है जो इस बार बगीचों में स्कैब की प्रॉब्लम आ रही है उसे देखने के लिए। तो हम डॉक्टर जो हमारे बताएंगे कि हमारे जो किस वजह से स्कैब आ रही है और क्या वजह रही, तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, जो मेरे यूट्यूब पर नए आए हों तो वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को तो आप लाइक ज़रूर करें। और हम बात करते हैं आज डॉक्टर विजय भारद्वाज जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है जय किसान एचपी में। मैं डॉक्टर विजय भारद्वाज जी, स्टेशन क्षेत्रीय अनुसंधान जो स्टेशन है बजौरा का, वहाँ कार्यरत हूँ। जी। आज हम आपके बगीचे में आए हैं क्योंकि आप जो बता रहे थे और हमने भी जो देखा, तो स्कैब के कुछ सिम्टम पत्तियों पे तथा फलों पे हमें दिख रहे हैं। जी। जो कि अगर हमने इस स्टेज पे इसका या जो भी एक शेड्यूल हमें तैयार करके दिया है, उस शेड्यूल में जो भी दवाई हैं रिकमेंडेड हैं उसके अनुसार जो है आप लोग स्प्रे करें। जी सर। जिसमें माइकोबुटानिल है और भी कई किस्म के जो प्रोडक्ट हैं इस शेड्यूल में सारणी में छिड़काव सारणी में दी जा रही हैं। इसको आप समय समय पे करते रहें, एक प्रोडक्ट को जो है दूसरे रिपीट ना करें बल्कि अल्टरनेट उसमें जो है आप कर सकते हैं, जिससे जो है इसका स्कैब का रोकथाम किया जा सकता है। सर एक ये हो गया ना, जहाँ पर मैंने देखा कि कास्टिक सोडा सा मारा था, उन बगीचे में स्कैब बहुत कम है, वहाँ ना के बराबर है मेरे, पर जहाँ कास्टिक सोडा नहीं मारा था मैंने वहाँ पर ज़्यादा है। नहीं एक... अगर देखो, अगर फंगस का जो भी रेजिड्यू रहता है, जी, अगर पिछले साल का आपके डेब्रिस के रूप में या आपके जो प्रूनिंग की कटिंग है या लीफ है उस ऐसी जगह पे अगर आपके बगीचे में पिछले साल की पड़ी हुई है और उसमें फंगस का एनोकुलम रह जाता है, तो आपके इस जैसे ही उस फंगस को अच्छी जो है आर्द्रता और टेम्परेचर का उसे माहौल मिलेगा तो वो फंगस उड़ के आपके पौधों पे आती है और जिस वजह से आपके बगीचे में स्कैब आ जाता है। इसमें मॉइस्चर का एक और टेम्परेचर के साथ मॉइस्चर का एक बड़ा अच्छा रोल रहता है कि मॉइस्चर अगर इसको फेवर करता है, जैसे ही ह्यूमिडिटी बनती है 60-70% और टेम्परेचर आपका जो है लगभग 18-20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, तो इसमें फंगस के लिए एक अच्छा वातावरण बन जाता है और उस फंगस जो है आपके बगीचे में और फलों पे आ जाती है। जी। तो इसलिए क्योंकि ये पिछले साल भी कुछ क्षेत्रों में देखा गया था कि स्कैब आई हुई है और जिसके बावजूद अपने बगीचे में सबसे बड़ी बात ये है हमारे कोई भी स्कैब या कोई भी बीमारी आने का, कि हम जो तो प्रोडक्टिव पौधा है या जिसमें जो फल देने वाला है उसमें तो हम पूरे तरह से स्प्रे कर देते हैं या उसके प्रिकॉशन, लेकिन जो गला सड़ा है या जो वैसे ही खड़ा है आपके बीच में उसकी आप प्रॉपर से केयर नहीं करते हैं या उसमें आप अपना केमिकल वेस्ट ना करने की कोशिश से उसमें जो है वो फंगस परपेचुएट कर जाती है और जो कि अगले साल के लिए आपके ही बगीचे में आपको फंगस देने का या रोग देने का कारण बनता है। जी। दूसरा सर, एक हमारे यहाँ कारण भी ना, जैसे मैं तो कर रहा हूँ, मेरा एक पड़ोसी नहीं करेगा, एक करेगा, अगर इस तरह की बीमारी अगर आती है तो प्रिकॉशनरी और ये स्प्रे शेड्यूल जो है ये आपको पड़ोस वाले को या एक एरिया को लेना ही पड़ेगा ताकि फंगस का जो है आपकी बगीचे में अटैक आने का। तो सर इसके लिए जो स्कैब के लिए सबसे बेस्ट बढ़िया इलाज जो है वो कौन सा रहेगा? अगर देखा जाए तो जैसे अभी जून आने आ गया, अब समझो आप, हाँ, तो इसमें इसकी जो रोकथाम है, आप तो जब आपका पौधा डोरमेंट में होता है या पेट आपकी पिंक बर्ड से ही हम इसकी पहली स्प्रे शुरू कर देते हैं। जी। जिसकी वजह से जैसे डोडीन है, उसके बाद कोई डाइथेन की है, फिर माइकोबुटानिल है, स्कोर है, इस तरह से दवाइयों का ये कितने दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए हमें? ये हमें एक हफ्ता 10-15 दिन के अंतराल पे हाँ, जब आपके मौसम आपका साथ दें या बारिश को आपके मतलब आपको स्प्रे करने के बाद जो है एकदम से बारिश नहीं होनी चाहिए। जी। हाँ, तब आपको इसका इफेक्टिव कंट्रोल हो जाएगा। जी सर, एक और भी दिक्कत, पिछली बार ना स्केल बहुत ज़्यादा स्केल लगभग हमारे ऑर्चर्ड में ना, तो पिछली बार फलों में भी स्केल आ गया। हाँ,
ऐसा मैंने वही कहा कि आप अगर प्रिकॉशनरी किसी भी पौधे को एक बार छोड़ देते हो तो वहीं से ही आपके बीच में आपने उसका होस्ट रखा हुआ है जी जी, जिसकी वजह से वो आपके उस आ रहा है जी। आपको जो इसमें है इस शेड्यूल में, जैसे TSO की स्प्रे है 4 लीटर 200 लीटर पानी में पड़ता है, हरी कली जब आती है आपकी पिंक उसके पिंक से पहले जो हरी कली आती है उसमें इसका स्प्रे करना चाहिए, जिससे जो है स्केल का नियंत्रण किया जा सकता है। अच्छी हाँ जी। और सर एक दिक्कत हमारे जो बगीचे में दिखती है ना, वो इस सबसे ज़्यादा जो पत्ते इसमें से पहले झड़ना, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, स्प्रे हमारे स्प्रे हम कर रहे हैं शेड्यूल में कर रहे हैं, पर क्या होता है जैसे बरसात में खासकर जुलाई में स्प्रे नहीं हो पाती टाइमली, उस वक्त क्या होता है जैसे कड़वान में लगे रहते हैं जी जी, या कुछ हाँ और फसल बिल्कुल, और उस वक्त ऐसा भी तब सेब की फसल को या उस तरह का पौधे की तरफ आप उतना ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी उस समय जब बारिश हो तो आप मॉइस्चर का ध्यान रखें। जिन खेतों में जो हमारे धान के खेत हुआ करते थे या जो उन खेतों में नमी ज्यादा बरकरार रहती है जी जी, उन खेतों में ऐसी जगहों पे जहाँ नमी आर्द्रता ज्यादा हो, पानी ज्यादा खड़ा होता हो, ऐसी जगहों में ऐसे पेड़ों में पत्ते गिरने की समस्या ज्यादा आती है। अच्छी। और इसके लिए भी एक इसमें इसी शेड्यूल में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी पतझड़ के लिए इन्होंने एक बिल्कुल स्पेसिफिक किया हुआ है कि पतझड़ के समय अगर इस तरह की समस्या आती है तो कौन सी स्प्रे, इसमें 2-3 केमिकल्स हैं, स्प्रे आपको करनी चाहिए। अच्छी। हाँ, इस स्प्रे शेड्यूल के साथ आप पूरी तरह स्ट्रिक्ट रहें और इसको जो है आप अच्छी तरह से फॉलो करें। अगर सर जैसे बारिश आती ना, जैसे मान लो आज स्प्रे की तो अभी सुबह की और शाम को बारिश आ गई, तो आप मान लो बेटर तो ये है कि आपको फिर वही स्प्रे जो है 5-6 दिन के अंतराल पे फिर दोबारा से लेनी चाहिए। जी जी, चलो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, ओके, थैंक यू। दोस्तों मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए अभी सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक अगर मेरे वीडियो को आपने प्लीज़ लाइक नहीं किया तो उसे लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएँ ताकि मेरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो इस वीडियो का अंत मैं यही करता हूँ, मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।